आप चलिए हमारे प्रसंग की ओर। आप लोगों को भी बताते चलूं कि आज की रात्रि में कौन सा प्रसंग आप लोगों के सामने प्रारंभ किया जाएगा। तो सरस्वती ने स्वर दिया कि गुरु ने दिया ज्ञान, कि माता पिता ने जन्म दियो कर्म लिखो भगवान। तो इस राम नाम की लीला में जो सज्जन सोरे मथा में भगवान राम की जय बोलो। सब सज्जन मिलकर ये
भी समझते जाए कि हमारी सीन कहां से प्रारंभ होगी। देखिए इधर पंपापुर का दरबार लगा हुआ है, महाराज सुग्रीव और बाल दोनों भाई अपने पंपापुर में विराजमान हैं, और उधर से माया भी दानव आते हैं। क्या बातचीत होती है आप लोग यहीं से सीन देखते हैं। नमस्कार। हो सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, पूरी 17.5 रील की पिक्चर है, और यहीं से अब हम अपनी गड़बड़ रामायण में धसते हैं। तो दीन दयाल बीरद संभारी, सुग्रीव भैया देखो हम तुम में इसलिए हम तुम्हारे बिना एक पल अकेले नहीं रह सकते हैं भ्रात सुग्रीव। हाँ भैया, इतना हम दोनों भाइयों में प्रेम है, संसार में और कोई भाइयों में नहीं होगा। हाँ सुग्रीव, लेकिन ये भी याद रखना कि मुझे पोप वरदान मिला है,
कि जो कोई मेरे सामने आकर के युद्ध करता है उसका आधा बल खींच करके अरे तुम्हारे भाई बाल में आ जाता है, ये तो भी तुम्हें ज्ञात होना चाहिए। हाँ भैया, ये हमारे भली प्रकार से ज्ञात है, तुम्हें वरदान मिला है, जो कोई तुम्हारे सामने युद्ध करने आता है उसका बल आधा खींच करके आप में आ जाता है। हाँ भ्रा सुग्रीव, और सुग्रीव मेरी इस पंपापुर की ओर कोई नजर उठा करके देखेगा तो मैं उसे सदा के लिए मौत की नींद सुला दूंगा। हाँ भैया ऐसा ही होगा, आओ आसन ग्रहण करते चलो भैया। ध्यान दीजिए, हमारे श्रीमान संसारपुर के बाबा जहां कहीं भी हो दो मिनट के लिए हमारे श्रृंगार घर में आ जाए। कोई सज्जन मिलना चाहते हैं? धन्यवाद। सुग्रीव कहाँ छुपा बैठा है? सुग्रीव सुग्रीव के सुग्रीव निकल घर के बाहर क्यों कायर बन कर बैठा है?
नदी बहती है उसी प्रकार तुझको मार करके पानी की तरह बहा दूंगा। तुम दोनों मेरे पंपापुर में आए, मेरा खून खोल रहा है, अधिक सबर नहीं हो रहा है, चलो अभी तुम दोनों को मौत की मौत। तो नहीं जानता है सुग्रीव, अरे चल मैं वो चलूंगा, चल मैं वो चलूंगा, किसी और न चली होगी, आज तेरी लाश किसी खंडक में पड़ी होगी। चल तैयार हो जा, तेरी मौत तेरे सर पर डोलती है, चल मरने के लिए अभी दोनों को समाप्त मार दो। चल, यज्ञ मान मरना चाहता है तो चल मरने के लिए तैयार हो जा। तू मुझे मारेगा और क्या, चलो फिर अभी समय बतलाएगा, तैयार हो जा। से पार नहीं पा सकते हो, तत्काल ही ठहर जाओ, मैं इस दुर्दमी को सदा के लिए मौत की नींद सुला देता हूं। ये दुर्दमी तैयार हो जा, देख तेरे सामने तेरा काल खड़ा है। काल
श्रीमान ध्रुव प्रसाद वाजपेयी जी, श्रीमान ध्रुव प्रसाद वाजपेयी पुजारी जी हमारे इस मंदिर की तरफ से ये इस बच्चे की वीरता पर खुश होकर ये 50 रुपए का इनाम देते हैं पार्टी की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। तूने मेरे भाई का बात कर दिया है, अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा बाल। मावी, अरे देख ले अपने भाई को, वो तो मौत की नींद सो रहा है। आज इसी प्रकार तुझे मौत की खाट, मेरा भाई तो मौत की नींद सो गया, लेकिन अब तुझको मैं मौत की नींद सुला दूंगा। तात्पर हो जा। आज चाहे तो तीनों लोक में भागे, पांच बार तेरा संहार अवश्य करेगा। गुफा में छुप जाता हूं, तब देखता हूं तेरी वीरता। अच्छा अच्छा, तो इस गुफा में चला गया है। तू सोचता होगा गुफा में जाकर के तेरे प्राण बच जाएंगे, लेकिन पाली के सामने आने वाला योद्धा आज तक नहीं बचा है। तो तू क्या है रे, हे भ्रातृग्रीव, भ्रातृग्रीव? हाँ भैया, भैया भ्रातृग्रीव, ये मायावी इस गुफा में चला गया है, इसलिए मैं जा रहा हूं इस गुफा में उसका वध करने के लिए। इसलिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। मुझे कौन सा कार्य करना है भैया? हे भ्रातृग्रीव, कि ये कपड़ा था तुम्हारा है वह खरारी, इस गुफा से बाहर न लौटू तो ये समझ लेना तुम्हारा भाई बाल मारा गया है। इसलिए इस गुफा के द्वार पर तुम एक पांक तक मेरा इंतजार करना। हाँ भैया, इस गुफा के दरवाजे पर आपकी मैं एक पांक तक इंतजार करूंगा। भैया मैं जा रहा हूँ। जा भैया, गुफा के अंदर उस महावी दूत को मार देना भैया। दोस्त महावी, देख तेरा काल आ रहा है काल। अरे अरे, ये भाई श्रीमान राम स्वरूप भैया, ये राम स्वरूप भाई हमारे बख्शी तालाब की तरफ से ये सीन पर 50 रुपए इनाम देते हैं पार्टी की तरफ से। हार्दिक धन्यवाद है। हे परमात्मा, मेरे भैया माँ भी दर्द से गुफा के अंदर युद्ध करने गए हैं, मेरे भैया की कुशलता रखना परमात्मा।
कुशलता रखना। गुफा के अंदर से आया, मेरा भाई गुफा के अंदर मारा गया। आ परमात्मा, गुफा के अंदर मारा गया तो ये दैत्य निकलेगा, मुझको भी मार डालेगा। इसलिए एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा इस गुफा के दरवाजे पर ढक देना चाहिए ताकि इसके अंदर से वो दैत्य निकल ना पाए। जय गुफा के अंदर से वो दैत्य इस शिला को हटाकर नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, निकल ही नहीं पाएगा। इतना बड़ा पत्थर का टुकड़ा वो दैत्य कदापि नहीं हटा पाएगा। अब चलते हैं पंपापुर को, अपनी राजधानी को। जो आपने आंखों से आंसू धारा, क्या बताऊं भाभी,
आज की घटना कहीं नहीं आती है भाभी। क्या हुआ सुग्रीव? उस मायावी दैत के द्वारा हमारा भैया मारा गया, मारा गया। क्या कहा सुग्रीव? उनका देहांत हो गया है। हाँ तारा भाभी, दुष्ट दैत ने उस गुफा के अंदर मेरे भैया बाल को मार दिया। स्वामी कि निर्मोही पिया छोड़ चले गए, चला सकता है सुग्रीव। नहीं भाभी, जब ये संसार में मेरा भैया नहीं है तो मैं ये पंपापुर की राज क्या करूंगा? मैं राज सिंहासन का कार्यभार नहीं करूंगा भाभी, नहीं करूंगा। इनके बस की है नहीं है गाड़ी चलाओ। हाँ, इसलिए आज से इस पंपापुर का राज आप चलाओ सुग्रीव, आप राज सिंहासन पे बैठिए। ठीक है भाभी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो इस पंपापुर का शासन का कार्यभार मैं अवश्य संभालूंगा भाभी। सुग्रीव चार्ज संभालो, फिर देखा ले जाओ। तू मेरा साथ देना। ठीक है भाभी। गौरा धीरे धीरे चरणन का दबावे लागी, भोले का मनावे लागी ना। सुग्रीव देख, तुझे ललकारने वाले को मैंने सदा
की मौत की नींद सुला दिया है। हे भ्यास सुग्रीव, मैंने उन दोनों भाइयों को मौत की नींद सुला दिया है। आप हमसे टक्कर लेने वाला इस संसार में कोई नहीं बचा है। आह, अपने भाई बाल के सीने से लग जा सुग्रीव, मेरे सीने से लग जा। सुग्रीव तू कहीं दिखाई नहीं देता। सुग्रीव हे भ्यास सुग्रीव, हे सुग्रीव तू अपने भाई को छोड़ करके कहां को चला गया। सुग्रीव इस प्रकार से मुझे इस गुफा के द्वार से छोड़ करके क्यों चला गया। क्या आज तूने मेरी प्रीत को ठुकरा दिया है सुग्रीव। आज जो पाल के प्रीत को ठुकराता है वो सदा मौत की नींद सूता है। सुग्रीव आज तूने ये ठीक नहीं किया। अपने भाई पाल के साथ में गद्दारी किया है। गद्दारी पाल आइए महाराज, कहां को गया है सुग्रीव। महाराज वो महलों में वहां गुलछर्रे उड़ रहे हैं महाराज। क्या? हाँ महाराज, तुम्हारा दसवां तिर ही सब होगा महाराज। यहाँ महाराज द्वारपाल कहिए महाराज, जब ऐसी बात तुमने दोबारा कही तो तेरी जिभ्या खींच कर फेंक दूंगा। महाराज सही कह रहा हूँ सरकार, सही कह रहा हूँ। अरे मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता है, वो हमसे अधिक प्यार करता है। मैं भी अपने भाई के बिना नहीं रह सकता हूँ। उससे ज्यादा भाभी से प्यार कर रहा हूँ। क्या महाराज पिक्चर कर रही है वहाँ? क्या ये सुग्रीव हमें इस प्रकार से छोड़ करके चला गया। लगता है उसे राज का ज्यादा लालच आ गया है। वो अब राज को चलाएगा, वो भी पंपापुर की रात को चलाएगा, पंपापुर की रात को। सुग्रीव ये तूने ठीक नहीं किया है। द्वारपाल तत्काल ही पंपापुर के लिए प्रस्थान कर। इसी क्षण प्रस्थान। देख रहे हो महाराज, सब दरवाजा हने पर हैं, सब किनारा बंद है, फाटक बंद है महाराज। द्वारपाल कहिए महाराज, ये इस समय ये अभी तलक द्वार बंद है। हाँ महाराज, इसका कोई खुलने की टाइम नहीं महाराज। क्या? हाँ कोई टाइम नहीं, कितने घंटे खुलेगा ये द्वार? नहीं खुलेगा, अभी खुल जाएगा लेकिन कोई टाइम नहीं निश्चित है। द्वार किस लिए बंद है महाराज? भीतर गदर पिक्चर चल रही है। द्वारपाल सुग्रीव को आवाज लगा। कैसा आवाज लगाई? सुग्रीव को, सुग्रीव को हाँ भैया की लगाई आवाज, हाँ कि भौजी की लगाई आवाज। अरे किनारा खोलो, कौन है रे? सुन रहे महाराज क्या कह रहा है? कह रहा कौन है रे? हाँ क्या कह रहा है? कह रहा कौन है रे? से बात अरे बात महाराज, तो दिमाग पूछे नहीं, बहुत हाई कमान चल रहे। द्वारपाल हाँ, जब ते आप अब मुझे प्रतीत हो गया है, हो गया राज के लालच में सब हुआ। हाँ महाराज, जब ते आप फिर पंचायत कटारी तब ते जानो सब। हट, पंचायत का नाम क्यों लेता है रे? या महाराज सब कुछ होगा महाराज। और महाराज क्या कबाड़ा खुल लाई रहे महाराज? अरे खोलत कबाड़ा के हम दरवाजा फाट डाली। हट द्वारपाल, तत्काल सुग्रीव को आवाज दे। महाराज सुग्रीव, कौन धोबी आया है क्या? आप बताओ महाराज क्या कह रहा है? महाराज क्या धोबी आया है? तो क्या यहाँ पहले धोबी का काम करता था? नहीं, वो कपड़े लगते अब सब जा रहे हैं। अरे तो तेरी आवाज को सुन करके क्यों बोल रहा है? जय महाराज, हमको लगता है कुछ दिमाग फ्रेंड चल रहा है। दिमाग तो वैसे भी उसका फिर फ्रेंड है।
और जब मुझे देखेगा तब उसका दिमाग सही होगा, तब सही होगा, तभी सही होगा। लगा मेरे साथ साथ हवा लगा, शुक्रो द्वारपाल, यदि इस बार दरवाजा ना खुले तत्काल ही दरवाजा को तोड़ दे। बिल्कुल शुक्रो कान भैया, तुम अभी जीवित हो भैया? सुग्रीव तुम झूठ बोल रहे थे, तुम कह रहे थे उनका देहांत हो गया है। सुग्रीव जैसे भाई गले नहीं लगाए जाते हैं, बेटे मौत की नींद सुलाए जाते हैं। तू मेरा भाई भाई ना रहा, तू मेरा सबसे बड़ा बैरी है, सुग्रीव बैरी है। नहीं भैया, उस गुफा के दरवाजे से सफेद रंग की खून की धारा निकली, आपका तो खून सफेद रंग का है। मैंने समझा उस गुफा के अंदर तुम मारे गए, इसीलिए मैं वो सिला लगा कर चला गया। भैया मुझे क्षमा कर। अच्छा, तो गुफा के दरवाजे से खून की धारा निकल करके तो पहचान कर लिया कि पाली मारा गया है, लेकिन तू वो बात भूल गया कि जो सामने मेरे युद्ध करने के लिए आता है उसका आधा बल खींच करके सर्विस नंदा की तरफ से इस सीन पर 50 रुपए इनाम मिलने, पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं अब तुझे आखिर जीवित देख नहीं सकता हूं। नहीं भैया, ये क्या करते हो भैया? कितना प्रेम करते थे, आज निर्दयी बन गए भैया। भैया हम कौन मारो, भैया हम कौन मारो, वरना पछताओगे। जीवित नहीं रह सकता है, देशद्रोही मेरे साथ में छल करने वाले सुग्रीव, मेरे प्राणों को दान में दे दो, भिक्षा के दान में दो भैया। देख ले, आज से मैं तुझे अपने घर में जबरदस्ती रखूंगा। ऐसा भ्रष्टाचार क्यों करते हो भैया? निर्दयी बन गए हो भैया, क्षमा करो भैया। पात्र नहीं रहा है सुग्रीव, तो क्षमा का पात्र नहीं रहा है।
वाह, हमारे आश्रम की तरफ कितनी खुशहाली और शांति रहती है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है। परमपिता परमेश्वर का नाम लेने से, आराधना करने से, विनती करने से कितनी शांति मिलती है। ओ मतवारे मन मतवारे पंचीरे रक्षा करो गुरुदेव, रक्षा करो। क्या हुआ सुग्रीव, इतना चिंतित?
हमारे आश्रम पाने आने का कारण क्या हुआ? क्यों इतना चिंतित आए हो? गुरुदेव, मेरा भाई बाल मुझे मार देना चाहता है। मेरे प्राणों की रक्षा करो गुरुदेव। अरे सुग्रीव, तुझे मजाक करने के लिए मैं ही मिला था और कोई रास्ते में नहीं मिला? अरे छोड़, हमसे मजाक मत कर बेटा। साधु संतों से कहीं मजाक की जाती है? मेरा भाई बोले मार देना चाहता है, वो मेरे प्राणों की रक्षा करो गुरुदेव, रक्षा करो गुरुदेव। हाँ, जो तू बता रहा है कि तेरा भाई मार देना चाहता है, इसी बात को सुनकर के तो हमें हंसी आ रही है। अरे तुम दोनों भाइयों में इतना प्रेम है और किसी में नहीं होगा, वो कैसा तेरा कैसे तेरा जान लेना चाहता है? क्या हुआ, क्या कारण हुआ जो तेरे जान लेने के लिए तुला है? बोल। यही तो अनोखी बात है गुरुदेव। बोलो। जो मेरा भाई मेरे प्राण लेना चाहता है। बोलो क्या हुआ। एक दिन मायावी नाम का दैत्य मेरे पंपापुर में आया। हाँ। वो मेरे भैया को ललकारा और युद्ध करना चाहा। युद्ध करने की ललकार दी, मेरे भैया बाल से ललकार नहीं सही गई, युद्ध करने लगा, लेकिन वो मायावी नाम का दैत्य वो गुफा में घुस गया। मैं दोनों भाई उसका पीछा करते करते गुफा के दरवाजे पर पहुंच गए। गुफा के अंदर जब मेरा भाई बाल जाने लगा, तो मुझसे कहने लगा, भैया सुग्रीव, आप इस गुफा के दरवाजे पर मेरी 15 दिन तक रास्ता देखना, यदि बाहर ना निकलूं तो समझ जाना मेरा भाई बाल मारा गया, तुम जाकर के पंपापुर में राज करना। लेकिन उस गुफा के अंदर से सफेद रंग की खून की धारा निकली। मेरे भाई का खून सफेद रंग का है, इसलिए मैं समझ गया उस गुफा के अंदर मेरा भाई बाल मारा गया। बस इसी से तुझे धोखा हुआ, और तुझे ये नहीं मालूम था कि उस राक्षस का भी खून सफेद ही रंग का था। भैया क्या कहा गुरुदेव, उस मायावी नाम का दैत्य का खून सफेद रंग का ही है। हाँ। यही धोखा हो गया, मैंने समझा मेरा भाई मारा गया, इसीलिए मैं शिला लगा कर पंपापुर चला आया। यही बात सोच करके मेरा भाई मेरे प्राण हरण करना चाहता है गुरुदेव, प्राण हरण करना चाहता है गुरुदेव। सुग्रीव, मेरे प्राणों सुग्रीव, मैं समझ गया, जब से इसको वल का वरदान मिला है तब से बहुत बड़ा गर्व और घमंड हो गया है। एक बार इसने मायावी के भाई दुदुवी का वध किया था और उसको नचा करके फेंका था, तो हमारे आश्रम पर खून के छींटे आए थे। उस दिन मैंने उस गुस्सा को शांत कर लिया था, परंतु अब तू प्रेम पूर्वक यहीं पे रहो और बाल लेकर आएगा तो मैं उसको देख लेता हूँ। यहीं पे रहो आराम से और प्रभु का भजन करो। ठहर जा बाली, आप इतना अनर्थ और अधर्म नहीं होने देंगे। मातंग सिंह, आप मेरे नेत्रों के सामने से ओट हो जाओ। नहीं, तुझे जब से बल का वरदान मिला है बहुत बड़ा गर्व घमंड अभिमान हो गया है, आज तेरा अभिमान इस मातंग के सामने नहीं चल पाया। अपनी जिभ्या को लगाम दे ऋषि, तो नहीं जानता है, अरे मैं पाली हूं पाली, जो मेरे सामने आकर के युद्ध करता है उसका आधा बल खींच करके अरे हमारे में आ जाता है, हमारे में। और ऋषि, मैं तो कहता हूं तुम मेरे नेत्रों के सामने से ओट हो जा, नहीं तो एक ऋषि की हत्या हो जाएगी। बाली, इस घमंड को त्याग दे, तुझे ये नहीं पता है कि एक बार तूने मायावी के भाई का दुबदुबी का वध किया था और नचा करके उसको फेंका था, तो उसके खून के छींटे हमारे आश्रम पर आए थे। तो क्या हुआ, उस दिन मैंने उस गुस्सा को शांत कर लिया और आज मैं तुझे श्राप दे रहा हूं, आज के बाद अगर इस आश्रम पर आया, इस पर्वत पे आया, तो चल करके भस्म हो जाएगा। ये मेरा श्राप तेरे ऊपर अटल है। धुआं हो गई हो,
का करी हो? मातंग सी, आज तूने मुझे श्राप दे करके अच्छा नहीं किया है, अच्छा नहीं किया है। तो जानता होगा कि बाली श्रीष्मुख पर्वत पर नहीं आ सकता है। अब कदापि नहीं आ सकता है तू। अरे मैं नहीं आ सकता तो क्या हुआ? मेरे दूत अवश्य सुग्रीव को मात की नींद सुलाएंगे और देखता हूं तू कब तक इसकी रक्षा करता है। सुग्रीव का कुछ भी नहीं तू बिगाड़ सकता है, अब मैं इसकी रक्षा कर रहा हूं। मातंग सिंह, अरे देख लेना, एक दिन तेरा ये जो दाढ़ा है, हाँ, ये तेरा दाढ़ा इसी ऋषिमुख पर्वत पर नोच करके फेंक दूंगा। ऐसा तू कदापि नहीं कर सकता है। ज्यादा बार ना उखाड़ा कर ना भारे भारे वाले हो जी। हाँ। आज तो जा रहा हूं लेकिन जब तक सुग्रीव को मौत की घात नहीं उतार दूंगा तब तक मेरे कलेजे को ठंडक नहीं पहुंचेगी। आज तो जा रहा हूं। जा, जा वाले, जा। अब ये तेरा घमंड और गर्व यहाँ पे नहीं चलने वाला है। सुग्रीव, सुखदेव, तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की, आपने मुझ पर कितनी कृपा की गुरुदेव। हेलो हेलो, ये गुमनाम 20 रुपए, ये बाली की सीन पर खुश होकर इनाम मिल रहे हैं, पार्टी की तरफ से हार्दिक धन्यवाद है। सुग्रीव, सब चिंता को त्याग दो, प्रेम पूर्वक हमारे आश्रम पर रहो, और ये भी मत अपने मन में सोचना कि इस पर्वत पे तुम अकेले हो। मैं अकेला नहीं हूँ गुरुदेव, हम हैं और आप हैं, हम इस पर्वत पर दो लोग हैं। सुग्रीव, इतने भोले तुम, दो ही नहीं बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते हैं। बहुत लोग रहते हैं गुरुदेव? हाँ, बहुत वानर भालू रहते हैं, मंत्री जामवंत, नलनील, सुग्रीव। अरे हाँ, बहुत से वानर भालू यहाँ पे रहते हैं, और वीर हनुमान भी साथ साथ में हैं। क्या कहा गुरुदेव, इसी पर्वत पर वानरों के साथ वीर हनुमान रहते हैं? हाँ, लेकिन हनुमान कहीं दिखाई नहीं पड़ते हैं, हनुमान कहाँ को गए, सारे वानर कहाँ को चले गए गुरुदेव? सुग्रीव, हनुमान के साथ साथ सभी वानर टोली अभी इस वन में फल फूल खाने के लिए गए हैं, और कुछ क्षणों के बाद वीर हनुमान अपने साथियों के साथ में आते ही होंगे। तब तक आओ बैठो, भगवान का भजन करो।